अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं पोर्टेबल कार्ड टाइप स्टोव की। ये हमें कैंपिंग में हेल्प बहुत ज्यादा करता है, तो अभी इसे अनबॉक्स करते हैं। मेड इन चाइना, इसको अनबॉक्स करते हैं। ये निकला बॉक्स, इसको रख देते हैं साइड में। कोवर कंपनी का है ये, इस पे लिखा हुआ है पोर्टेबल कार्ड टाइप स्टोव। अब इसको भी अनबॉक्स करते हैं। इसके ऊपर एक कैश रिवॉर्ड ऑफर दे रखा है, इसका हमारा कोई काम नहीं है इसलिए इसे साइड रखते हैं। और ये इसमें ये है स्टोव, इट्स सो हैवी, इसको साइड में रखते हैं। हाँ, इसके अंदर एक मेन्यू भी है गिरा, ये इसको भी साइड में रखते हैं। अब हम अनबॉक्स करते हैं। ये यहाँ से खुलता है, इसको साइड में रखते ये यहाँ से खुलता है, इसे ऐसे इसमें स्प्रिंग है, इसको दबाओगे और ये ऐसे खुल जाएगा। फिर ये यहाँ से इसकी इलास्टिक लूज करके फिर हम खोलते हैं। ये है हमारा स्टोव, अभी इसे बाहर निकालते हैं। तो ये बाहर निकल चुका है। 3, 2, 1 वेट अ मिनट, थोड़ी लेट है, इसे बाहर निकालना बहुत ज्यादा टफ है, इसे बाहर निकालना। फाइनली बहुत देर की कोशिश के बाद ये बाहर निकल चुका है। इसके नीचे इसकी लेग्स ओपन करते हैं। ये इसकी लेग्स हैं, ये ऐसे ओपन हो जाती हैं। ये यहाँ से ओपन होती है, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसका सिलेंडर लगेगा, ये इसे ऑन ऑफ करने के लिए ऐसे, इसे बाद में करेंगे। और ये ऐसे खुलते हैं, पहले लिटल बिट, पहले इसे आराम से खोलो, फिर इसको पूरा अच्छे से इसका यहाँ पे लॉक लग जाता है। और इसमें लाइटर यहाँ से स्पार्कलिंग होती है, हमें यहाँ से करना होता है ऐसे ऐसे, तो इसमें स्पार्कलिंग ऐसे होती है। अब आप बोलोगे सिलेंडर काट, तो सिलेंडर इसमें है। एक सेकंड, इट्स सो हैवी, इसमें 4 बॉटल्स होती है, इसको नीचे रख दो। इसमें 4 बुटेन गैस के सिलेंडर्स हैं, हेंस कंपनी के, इसमें 4 बॉटल्स आती हैं। तो अभी इसको साइड रखते हैं, एक बार इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो अब हम इसे खोलते हैं, और जो हमारे नॉर्मल किचन के सिलेंडर्स होते हैं उसमें एलपीजी गैस होती है, वो जल्दी फ्रीज हो जाती है, और बुटेन गैस बहुत कम टेम्परेचर में, माइनस के टेम्परेचर में भी ये वर्क करती है। तो अब इसे ओपन करते हैं। तो ये सीजर से ऐसे तो खुलेगी नहीं, इसमें घुसाना पड़ेगा इसको। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए इसको खोलते हैं। चलो अब इसको यहाँ से ऐसे खोलो, इट्स सो टफ, बहुत ज़्यादा वैसे खोले तुमने। फाइनली थोड़ा सा खोले, अब इसको और खोलते हैं। बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद खुलता है ये, इसको सीजर से ही कट कर देता हूँ मैं, वैसे तो ये खुल भी नहीं जाए। अब ये खुल चुका है थोड़ा सा, अब नीचे से रह गया है, तो इसको ऊपर से कैसे करके खोल देते हैं, नीचे से जो होती है ऐसे, ये खुल गया। तो फाइनली ये ओपन हो चुका है, इस गार्बेज को ड्रॉर में डाल देता हूँ, फिर मैं साफ कर दूंगा। फिर यहाँ से इसकी टेप खोलनी पड़ेगी, अब टेप पता नहीं कहाँ से खुलेगी इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं। और ये यहाँ से इसमें सीजर घुसाते हैं, और ये यहाँ से खुलेगा, ये इसके अंदर यहाँ से टेप इसकी खुलती है। और ये जैसा बॉक्स अमेज़न से आया था मैंने वैसा ही रखा हुआ था, और अब मैं आपको वैसा ही बॉक्स दिखा रहा हूँ। मैंने ये वाला खोला नहीं था, तो अब इसको पता नहीं खोलेंगे कैसे, हम इसको पता नहीं कैसे खोलेंगे यहाँ से। ये हाँ, टेप कहाँ से खुलेगी, ये हेल्प करनी है नहीं। इसमें एक बार
बस वेट एक सेकेंड, मैं बस खोल ही रहा हूँ इसको। बहुत ज्यादा फ्लेम आ रही है गरम गरम। हाँ, यहाँ तक हाथ जल रहे हैं।